बेटे की पुरानी रंजिश कारण बदमाश मापे नूं ही गोली मार गए ने, जिस दे कारण पिता की मौके ते ही मौत हो गई है, जबकि माँ जिंदगी अते मौत दे विचकार अपने सां गिण रही है। तो दस दिए कि मामला कुरुक्षेत्र तो सामने आया, जिथे कि एक मापियो का पुत आई टी आई दे विच पढ़न दे लई गया सी, उत्थे उसकी किसी दे नाल लड़ाई हो जाती है, जिस तों बाद कहा जा रहा है कि पहला तो यह मामला शांत हो गया सी, पर उसी रंजिश नूं लैके कहा जा रहा है कि दो बदमाश उसके घर आउंदे ने ते जो पति पत्नी ने घर दे विच हुंदे उसनूं गोली मार के फरार हो जाते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इन्हां दे बेटे की आई टी आई दे विच किसी दे नाल लड़ाई हुई सी, हालांकि उस समय मामला शांत हो गया सी, पर कहा जा रहा है कि उसी पुरानी रंजिश नूं लैके हुण उन्हां दे बेटे नूं गोली मारन दे लई आए सी, पर बेटा मौके ते मौजूद ना देख के उन्होंने मापियों नूं ही गोली मार दित्ती, जिस दे कारण पिता दी मौके ते ही मौत हो गई है, जबकि माँ गंभीर हालत दे विच हस्पताल च दाखिल करवाया गया। तां मामला कुरुक्षेत्र तो सामने आया, जिथे कि बेटे की पुरानी रंजिश के कारण पिता की मौत हो गई है, जबकि माँ जिंदगी अते मौत दे विचकार अपने सां हस्पताल दे विच गिण रही है। तो दस दिए कि पुलिस नूं हुण इस मामले संबंधी जानकारी दी गई है, तो पुलिस हुण इस मामले की जांच कर रही है। हमने एडमिशन किया था, 20,000 रुपये में एडमिशन करवाया लड़के का, ये मारदात की बात हो रही थी, इस कारण लड़के को हमने एडमिशन में तभी हटवा दिया। आज गोली चली हमारे घर, पहले भी पुलिस कार्रवाई की है, उनने कोई कार्रवाई नहीं की है, हमारे कारण ही चलान काट दिए, हमारे आगे जेल में गए भेजने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी सरपंच ने आज जोड़ के प्रार्थना की है, भाई ये बताओ इनकी गलती है क्या, किस कारण तुम इनको अंदर जेल में भेज रहे हो, ये बात बताओ हमें भाई। पहले नहीं, घटना क्या घटी थी, आप घटना के बारे में बताइए, आज कितने आदमियों ने किन किन को गोली मारी ये बताइए आप पहले। घटना में एक तो गर्वी 3 सेक्टर का था जी, एक वो काली 3 सेक्टर का था, एक गौरव सरण 3 ये गांव उमरी का था, उनने गोली चलवाई है। अच्छा जी, गांव उमरी का था, हमारे भांजे के ऊपर वारदात हुई है। अच्छा, तो गोली लगी किसको है? गोली लगी है मेरी बहन को सुमन को और सुभाष जी को। कितनी कितनी फायर हुए है? फायर हुए 5-6 फायर हुए, 5-6 फायर हुए। हाँ जी, हाँ जी सर। और आपकी सिस्टर को और आपके जीजा जी को गोली लगी है? हाँ जी, हाँ जी सर। वो कहाँ है? वो हॉस्पिटल में एडमिट करा रखे हैं अभी, अभी कोई भी पता नहीं है भाई क्या हुआ है क्या नहीं अभी। अच्छा, तो किसी ने मौके पे देखा उन लोगों को? हाँ, मौके पे देखा है जी, पड़ोसी ने देखा है, पड़ोसी की दुकान है, वो सारा कुछ अभी बता देते हैं आपको। अच्छा, और ये जो क्या मोटरसाइकिल पे आए थे, किस पे सवार होके? गाड़ी में होके आई थी, कार पे आए थे? हाँ जी, गाड़ी में होके आई थी। कौन सी गाड़ी थी वो? गाड़ी मैंने तो देखी नहीं सर अभी, नंबर किसी नोट किया हो? गाड़ी वो तो पड़ोसी बताएगा जी, पड़ोसी ने देखा है, मैं तो अभी दिहाड़ी पे आया हूँ। और इतनी यकीन से जैसे आप उनका नाम ले रहे हो, आपको पूरा पता है कि भाई वही? हाँ जी, हाँ पूरी पक्की बात है सर। क्या कोई पुरानी रंजिश थी आपकी? नहीं नहीं, पुरानी कोई नहीं है सर। हाँ। वो तो भांजे का वो करवा था, एडमिशन करवा था, उसके ऊपर ही उन्होंने कट्टा दिखा के, उसका कमीज पटवाया था, कोई झगड़ा हो गया था किसी के साथ, उन्होंने एक कट्टा दिखा के हमारे भांजे को कोशिश की भाई थार में पाओ, उसको गोली मारो, साले को इसको उठाते हैं पहले। कहाँ एडमिशन कराया था आपने? आईटीआई में कराया था, उमरी चौक पे। उमरी चौक पे जो आईटीआई है वहाँ पर एडमिशन कराया था भांजे का, मतलब भांजे की जो लड़ाई झगड़ा था जी जी, उसके तहत चलते आज यहाँ गोली चली है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हमें सूचना मिली थी कि उमरी में 2 लड़के फायरिंग करके चले गए हैं, जिसमें एक सुभाष नाम का लड़का है, उसके पेट में गोली लगी है, एक उनकी घरवाली के, तो इंजर्ड को हमने हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया है। हमारी SHO साहब और CIA टीम, हमने टीम बना दी है, और जो जिन्होंने भी ये वारदात को अंजाम दिया है, शाम शीघ्र से शीघ्र उनको राउंड अप कर लेंगे। गोली चलने का कारण क्या, पहले कोई रंजिश रही है? देखो, रंजिश तो इनका आपस में एक सेक्टर 30 के 3 में कोई झगड़ा हुआ था 2-3 महीने पहले, अब अभी तो पूरी तरह से ये बात नहीं भी उन्होंने ही गोली चलाई है या और किसी ने गोली चलाई है, तो उसमें हम CCTV की फुटेज का भी अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे भी जो भी होगा, जिसने भी गोली चलाई हम शीघ्र से शीघ्र उसको गिरफ्तार